गाइस, मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था पास्ट टेंस फॉर फोर्ड के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्यूचर टेंस फॉर फोर्ड ग्रेड। वैसे फ्यूचर टेंस फोर टाइप्स के होते हैं, लेकिन फोर्ड ग्रेड में टू टाइप्स के होते हैं। दोज आर नंबर फर्स्ट सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस। इनका मैं बेस स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, उसी के बेस पर मैं आपको एक सेंटेंस भी बताऊंगा। सिंपल फ्यूचर टेंस का बेस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, फिर विल शैल, फिनिश ऑब्जेक्ट। ओके, देखिए विल होता है जितने भी सब्जेक्ट हो उनके लिए, और लेकिन शैल सिर्फ वी और आई के लिए यूज होता है। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल एंड शैल, जैसे मैंने आपको बता दिया था विल और शैल किसी ये ऑब्जेक्ट है, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इनके बेस में मैं आपको एक सेंटेंस बना के दिखा रहा हूँ। जैसे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस सेल प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे हम लोग देखेंगे आई, मैंने क्या बताया था आई के साथ क्या आया था शेल। ओके, आई शेल I shall do it. मैं इसे कर लूंगा। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखिए, ये था गाइस सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस, सिंपल फ्यूचर गाइस। और ये था गाइस, अभी मैं आपको बता के दिखा रहा हूँ फ्यूचर कंटिन्यूअस का। ओके, सब्जेक्ट यही हम लोग यहाँ लेते आई सेल, वर्ब कोई किराए आई सेल, ये गैप है आई सेल किराए की जगह कोई भी वर्ड लगा दो। देखिए गाइस, मैं आपको एक नोट बता दे रहा हूँ, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें आईएनजी जरूर लगता है, और जितने भी सिंपल टेंस होते हैं उनमें आईएनजी नहीं लगता है। ये आप नोट कर लीजिए। ओके गाइस, सो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे वीकली अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू।